वर्गमूल का अनुमान लगाना, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे। दो दोस्त अमित और विशाल आपस में बातें कर रहे हैं। विशाल ने अमित से पूछा कि उसका घर स्टेशन से कितने किलोमीटर दूर है, तो इसका जवाब अमित ने उसे एक पहेली के रूप में दिया। मेरे घर से स्टेशन की दूरी किलोमीटर में लगभग तुम्हारी उम्र के वर्गमूल के बराबर है। मेरी उम्र तो 23 वर्ष है, तो इसका मतलब तुम्हारे घर से स्टेशन की दूरी 23 के वर्गमूल के बराबर होगी। लेकिन 23 का वर्गमूल क्या होगा? क्या आप संख्या 23 का वर्गमूल ज्ञात करने में विशाल की मदद कर सकते हैं? इसके लिए आपको संख्या 23 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। किसी प्राकृत संख्या n का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग n के बराबर होता है। हम जानते हैं कि 23 एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है जिसके केवल दो ही गुणनखंड हैं, एक और 23 खुद। यानी ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसका वर्ग 23 के बराबर हो। इसका मतलब यह है कि 23 का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं होगी बल्कि एक दशमलव संख्या होगी जिसका अनुमान हम लगा सकते हैं। चलिए अब हम संख्या 23 के वर्गमूल का अनुमान लगाते हैं। सबसे पहले 23 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्याओं परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में सोचिए, जैसे 1, 4, 9, 16। फिर उन पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में सोचिए जो 23 से बड़ी है, जैसे 25, 36, 49, 64। अगर हम इन क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं और उनके वर्गमूल की सूची बनाएं, तो हमें इस प्रकार की एक सारणी मिलेगी। इस सारणी में उन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखिए जिनके बीच में संख्या 23 आती है। हम देख सकते हैं कि संख्या 23, 16 और 25 के बीच में आती है। इसलिए संख्या 23 का वर्गमूल भी इन दोनों संख्याओं के वर्गमूलों के बीच में ही होगा। 16 का वर्गमूल 4 है और 25 का वर्गमूल 5 है। इसका अर्थ है कि 23 का वर्गमूल 4 और 5 के बीच में ही आएगा। आप देख सकते हैं कि संख्या 23 संख्या 16 से दूर है और संख्या 25 के बहुत पास है, जिसे हम उनके अंतर से जांच सकते हैं। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि 23 का वर्गमूल संख्या 4 की तुलना में संख्या 5 के नजदीक होगा। हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि संख्या 23 4.5 के वर्ग से बड़ी संख्या है। 4.5 का वर्ग 20.25 है, जो 23 से छोटा है, जिसकी हम जांच कर सकते हैं। आइए अब 4.5 से थोड़ा आगे बढ़ते हुए 4.6, 4.7 और 4.8 के वर्गों की जांच करते हैं। 4.8 के वर्ग को देखकर हम यह कह सकते हैं कि 4.8 का वर्ग 23 के नजदीक आया है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 23 का वर्गमूल लगभग 4.8 के बराबर होगा। इस तरह हमने 23 के वर्गमूल का अनुमान लगाया और विशाल ने अपनी पहेली सुलझा ली। इसलिए अमित के घर से स्टेशन की दूरी लगभग 4.8 किलोमीटर है। इस वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखा। अगली वीडियो में हम इससे जुड़े उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।